मौसम बदल रहा है और इस वक्त में सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों में कम इम्यूनिटी होने की वजह से भी मौसम बदलने पर ये प्रॉब्लम होती है, और मौसम चेंज में ये इन्फेक्शन अमूमन सभी को हो जाता है, आपको, हमें। इन इन्फेक्शन से आपको कैसे बचना है, क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं आप, वो समझते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो अभी हमने कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है, और कि फ्रीक्वेंटली हाथ धोते रहना हैंड वॉश करते रहना है, जिसकी वजह से जितने भी तरह के कोई भी इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आए हैं तो आप वॉश कर लीजिए, वो चीज़ बाहर हो जाएगी। कहीं भी अपने हाथ से चेहरे को छूने में, नाक मुंह टच करने में थोड़ा सा सावधानी बरतें, हैंड वॉश के बाद ही अपने किसी भी चीज़ को खाने के लिए यूज़ करें या फिर बॉडी को टच करें। जो अगली चीज़ है वो है नमक पानी का गार्गल। अगर आपको थोड़ा गले में कफ सा, खराश सा फील हो रहा है, या बार बार खांसी आ रही है, या किसी भी तरह की गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के उसका गागल भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में भी हेल्प करें। जो थर्ड चीज़ है वो है सीजनल फूड। जो सीजन्स के फूड आते हैं ना, वो सीजन्स की बीमारियों के अकॉर्डिंग ही होते हैं, कि उस सीजन में जिन चीज़ों की कमी होती है या जिस भी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, वो हमारा पूरा करता है शरीर में, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं। सीजन्स में जो भी फ्रूट्स आते हैं उनका कंजम्पशन ज़रूर करिए, उन्हें ज़रूर खाइए, किसी भी फॉर्म में खाइए, बट उन्हें रेगुलरली यूज़ ज़रूर करिए। जो नेक्स्ट थिंग है वो है एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप। अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की है, 45 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर करिए वीक में एटलीस्ट 3 डेज, और इसके साथ साथ में 7 to 8 आवर्स की नींद ज़रूर लें। अपनी उम्र और अपने वर्क के अकॉर्डिंग नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा करने की वजह से आपके मसल्स में ना टियर हो जाता है या फटीग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे भी ध्यान मत दीजिए, एक लिमिट में एक्सरसाइज करिए। ड्यूरेशन ज़रूर रखिए कि इतने घंटे से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है या इतने मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनकी हेल्प से आप सीजन में बदलते हुए सीजन में अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं।